अब हम बात करते हैं पेरीमीटर, डायगोनल, एरिया, वॉल्यूम पर प्रभाव परिवर्तन करने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी भी साइड के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं तो आपके पेरीमीटर, आपके डायगोनल, एरिया या वॉल्यूम पर क्या आपका इफेक्ट होने वाला है। हम सबसे पहले बात करते हैं एक रेक्टेंगल की। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आपकी, एल है। हमने इसकी चौड़ाई मान ली कि एस की बी है, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो कितना होगा आपका, 2 × L + B बराबर कितना होगा आपका, 100%। हमने मान लिया कि हमने इसकी जो लेंथ है और जो इसकी ब्रेथ है हमने बढ़ा दिया कितनी, 10%। क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दी। तो जो आपका न्यू पेरीमीटर होगा वो कितना होगा आपका, जो आपका न्यू पेरीमीटर होगा वो कितना होगा आपका, 2 × L × पहले कितना था आपका, 10 था, अब कितना होगा आपका, वो 11 हो गया, प्लस B × पहले कितना था आपका, 10 था, अब कितना होगा आपका, 11 हो गया। 11/10 क्या लिया आपने, कॉमन। क्या बचा आपके अंदर, 2 × L + B क्या है आपका, है 11/10 × इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 100%। कितना आ गया आपका, 110%। इसका मतलब है कि आपका जो चेंज हुआ पेरीमीटर में कितना हुआ आपका, 110 माइनस आपका 100%, कितना हुआ आपका, 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज आपका लेंथ के अंदर हुआ, जो ब्रेथ के अंदर हुआ, वही किसके अंदर हुआ आपका, पेरीमीटर के अंदर हुआ। इसका मतलब है कि इन तीनों में से यदि कोई भी एक बढ़ेगा तो वो तीनों क्या बढ़ेंगे, सेम बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा हम आगे बढ़ें, अब बात करते हैं डायगोनल की। आपका डायगोनल में क्या है, जो आपका रेक्टेंगल है लंबाई L है और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आपकी, B है, तो जो उसका डायगोनल होगा वो कितना होगा आपका, √L² + B² हमने क्या किया, जो आपकी L है, जो आपकी ब्रेथ है, 10% क्या कर दिया आपने, इंक्रीज। तो जो आपका न्यू डायगोनल है वो कितना होगा आपका, न्यू डायगोनल कितना होगा आपका, L कितना बढ़ा आपका, 10%, तो 10 से कितना होगा आपका, 11। इसका क्या होगा आपका, √² जो आपकी ब्रेथ है वो क्या होगी आपकी, 10 से 11। इसका क्या आपका, √² बराबर आपका 11/10 कॉमन आ गया सारे में से, और जब बाहर आया कितना आया आपका, 11/10 √ क्या बचा आपका, L² + B² या आपका 11/10, ये क्या आपका, ये हमने माना कितना होगा आपका, 100% है, कितना होगा आपका, 100% 0 से आपकी 0 कटी, कितना होगा आपका, 110%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेल हुआ, चेंज हुआ किस में, आपके डायगोनल में, कितना हुआ आपको, 110% - 100%, कितना हुआ चेंज आपको, 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर एंड आपका डायगोनल, यदि इन चारों में से कोई भी बढ़ रहा है तो चारों क्या होंगे आपके, एक समान बढ़ेंगे, ठीक है। यदि हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें, इसका मतलब हुआ ये, लाइन को नोट कर लो आप, यदि आपकी लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर या डायगोनल इनमें से किसी एक की भी वैल्यू चेंज होती है तो सभी की वैल्यू क्या होगी, सेम चेंज होगी, सेम है बिल्कुल, सेम परसेंट में, ठीक है। हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम।
जब कभी भी आपके अंदर एग्जाम में कभी आए कि एरिया आपको निकालना है, एरिया में क्या चेंज होगा, परसेंट चेंज होगा, तो आपको लगाना है जस्ट ये फॉर्मूला। सपोज आपका जो एरिया है उसका जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी बराबर आपका एरिया। इसका मतलब हुआ कि पहले आपकी लेंथ कितनी थी 100, अब कितनी होगी आपकी चेंज होगी वो क्वेश्चन में देगा। पहले आपकी ब्रेथ कितनी थी 100, अब चेंज होगा आपका यहाँ पर देगा, बोलेगा कि आपका जो एरिया पहले कितना था 100, अब चेंज हो क्या होगा वो यहाँ पे देगा। इसका मतलब है कि इन तीन में से वो दो की वैल्यू देगा, एक की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर लगाओगे ये वाला फॉर्मूला। सेम वे में यदि आपका आता है वॉल्यूम वाला, आपका वॉल्यूम क्या होता है आपका एल बी इंटू एच, कैसे जो आपकी स्टार्टिंग क्या कितनी है आपकी 100 है, यहाँ पर इसने कुछ चेंज किया। सेम आपका ब्रेथ में चेंज किया, पहले कितनी आपकी 100, फिर आपने कुछ चेंज किया। सेम आपकी हाइट, ये क्या 100 है, यहाँ पर इसने कुछ चेंज किया। फिर आपका वॉल्यूम है, स्टार्टिंग कितना आपका 100 है, यहाँ पर इसने कुछ चेंज किया। यहाँ पर वो चार में से तीन वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा एरिया में ये फॉर्मूला लगाना है और आपको वॉल्यूम में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे बनाएंगे हम, लंबाई में कितने बढ़ाए उन्होंने 30%, पहले कितनी थी आपकी लंबाई 100, अब कितनी होगी आपकी 130, चौड़ाई को कितना कम किया आपने 20, पहले कितनी थी आपकी 100, अब कितनी हो गई आपकी 80, वॉल्यूम पहले एरिया पहले कितना था आपका 100, अब कितना होगा आपका x, 100 से आपका 100 इन दो जीरो से आपका 0 0 बैठे, कितना बच गया आपका x बराबर 8 या 24 और 8 का 8 रहे 2 10, कितना होगा आपका 104। इसका मतलब हुआ कि जो आपका चेंज हुआ एरिया में कितना हुआ आपका 104 माइनस आपका 100%, कितना हुआ आपका 4%, वो भी क्या हुआ आपका इंक्रीज, 4% आपका क्या होगा इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका, आपकी जो आयत की लंबाई है कितनी बढ़ाई उन्होंने 50%, पहले कितनी थी आपकी 100, अब कितनी होगी आपकी 150 इंटू चौड़ाई हमें निकालनी है, पहले कितनी थी 100, अब हमें क्या है फाइंड आउट करनी है। एरिया क्या चेंज हुआ आपका 20% क्या हुआ आपका इंक्रीज, कितना होगा आपका 120, 100 से आपका 100, 0 से आपका 0, 3 से 5 टाइम, 3 से आपका 4 टाइम, 5 से आपका 20 टाइम्स, तो आपका x बराबर 20 इंटू 4 कितना होगा आपका 80, चेंज कितना हुआ आपका ब्रेथ में 100 माइनस 80, क्या हुआ आपका 20%, क्या हुआ आपका डिक्रीज 20% डिक्रीज, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका ए इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, आपका जो पेरीमीटर है कितना चेंज किया इन्होंने 100%। इसका मतलब है कि जब आपका पेरीमीटर चेंज हुआ तो उसका जो आपका एल है या आपका बी है, इन्होंने बोला है स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है आपकी एल ही है, कितनी बढ़ गई आपकी 100%। जो आपका वर्ग होता है इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है आपका साइड का स्क्वायर, साइड पहले कितनी थी आपकी 100 थी, अब कितनी होगी आपकी 200, पहले कितनी थी आपकी साइड 100, अब कितनी होगी आपकी 200, पहले कितना था आपका एरिया 100, अब क्या करना है निकालना, 100 से आपका 100, 20 से आपकी 20, कितना आ गया आपका x बराबर आपका आ गया 400। यदि मैं चेंज की बात करूँगी तो कितना है आपका एरिया में चेंज, कितना आपका 400, पहले कितना था आपका 100, मीन्स आपका 300%, क्या हुआ आपका इंक्रीज, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ये आपका होगा राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की,
क्वेश्चन नंबर फोर क्या आपका? एक क्या आपका ट्रायंगल है। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपका कांस्टेंट है तो इसका हम यहाँ पर कोई यूज नहीं करने वाले। हमने माना कि जो उसका पहले बेस था कितना था उसका 100, कितना पड़ गया उसका 40%, कितना होगा आपका 140। जो उसकी ऊँचाई है पहले कितनी थी इसकी 100, अब कितनी हो गई इसकी, यह आपका घट गई 60% इंटू एरिया पहले कितना था उसका 100, अब क्या हमें फाइंड आउट करना, आपका 100 से 100 20 से 20 तो x बराबर 14 इंटू कितना होगा आपका 84%। तो जो आपका चेंज आया एरिया के अंदर कितना है आपका 100% माइनस आपका 84%, कितना होगा आपका 16% आपका क्या हुआ है डिक्रीज, मीन्स आपका 16% क्या होगा आपका डिक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या आपका सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। आपका रेडियस है सर्कल की वो कितनी होगी, आप 10% बढ़ गई। पूछा गया आपने एरिया पर प्रभाव, जब आपकी रेडियस कितनी है आपकी 10% क्या होगी आपकी इंक्रीज, और जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई का आपका कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम यहाँ पर नहीं लेने वाले। पहले आर कितनी थी आपकी 100, अब कितनी हो गई आपकी 10% बढ़ गई 110, पहले कितनी थी आपकी 100, अब कितनी हो गई आपकी 110, पहले एरिया कितना था आपका 100, अब क्या करना हमें फाइंड आउट करना 100 0 से 0 इन 2 0 से 2 0 एक्स बराबर आपका 121। चेंज कितना है आपका एरिया में 121 माइनस 100% कितना होगा आपका 21%, क्या होगा आपका इंक्रीज आंसर 21% क्या आपका इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। लंबाई क्या कर दी उन्होंने परिधि कर दी, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपकी पहले लेंथ कितनी थी 6 थी, अब कितनी कर दी इसने 7 कर दी। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि चौड़ाई को कितना कम करना है, मीन्स ब्रेथ को, कि जो उसका एरिया है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। पहले क्या था उसका एरिया 100 था, अब भी कितना है उसका 100 है। पहले क्या थी इसकी चौड़ाई 100 थी, अब हमें फाइंड करनी है, तो आपका 100 से कटा आपका 100, ये कितना आ गया आपका x बराबर 600/7। चेंज कितना है उसका 100 में से हम बटा देंगे इसको जो हमने निकाला, कितना आ आपका 100/7 मीन्स आपका 14/2%, ये क्या आपका इंक्रीज, कम किया मिस, आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए क्या आपका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 7। रेक्टेंगल की क्या आपकी लेंथ एंड ब्रेथ कितना बढ़ा दिया उन्होंने 20%, परिमाप में क्या फर्क पड़ेगा आपका, आपको पता है तीनों सेम बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा L बराबर B बराबर क्या आपका P, कितना बढ़ा आपका 20%, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20% इंक्रीज होगा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लेंथ और चौड़ाई कितनी बढ़ाई उन्होंने 17%, पूछा किस का था डायगनल का, वो भी सेम बढ़ता है, तो आपका जो आंसर क्या होगा आपका 17% मीन आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा आपका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
आपकी जो वर्क की परिधि है कितना बढ़ाया उन्होंने 50%, इसका मतलब है कि उसने आर को कितना बढ़ाया उसने 50%, तो जो आपका डी है वो भी आपको बढ़ा कितना 50%। अब उसने पूछा है डी के बारे में, तो हमने बता दिया 50% बढ़ेगा। तो पूछा एरिया, आपका जो सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई क्या आपका कांस्टेंट, तो हमें आप मिलते हैं आर, हमने माना कि पहले जो आर था 100 था, अब कितना होगा आपका 150, पहले आर कितना था आपका 100, अब कितना होगा आपका 150, पहले जो आपका एरिया था कितना था आपका 100, अब हमें फाइंड करना, ये 20 से 20 कट गया, 15 × 15 कितना होगा x बराबर 225, इसका मतलब जो चेंज हुआ कितना हुआ वो आपका 225 माइनस 100 कितना होगा आपका 125%, ये क्या हुआ आपका इंक्रीज। राइट, उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या आपका नेक्स्ट, सबसे पहले बात करें क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आपका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है एल बी इंटू एच, एल कितना था पहले इसका 100, अब कितना होगा आपका 20% इंक्रीज, कितना होगा आपका 120, आपका जो ब्रेथ थी पहले कितनी थी 100, अब क्या होगी इसकी 130%, पहले कितनी थी इसकी हाइट 100, अब कितनी होगी चाहिए कम की, तो कितनी रहेगी आपकी 50 इंटू, पहले आपका वॉल्यूम कितना था आपका 100, अब कितना है आपका x जमा निकालना है, 20 से 20 कैंसिल, इन 20 से आपकी ये 20 कैंसिल, इससे आपकी ये 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5 से कट का 5, तो आपका जो x बराबर आ गया कितना है आपका 13 × 6 आपका आ गया 78%, तो जो आपका चेंज हुआ कितना हुआ आपका 100% माइनस 78%, कितना आपका 22%, क्या हुआ आपको डिक्रीज, 22% आपका डिक्रीज हुआ, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, यह आपका कौन का, जो कौन का आपका वक्र प्रश्न होता है वो होता है आपका पाई आर एल, आर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब खाली आर से एंड एल से, आर की वैल्यू पहले कितनी थी आपकी 100, अब कितनी हो गई आपकी 130, पहले कितनी थी आपकी एल 100, अब कितनी हो गई वो 10% कमी है अर्थात 90% बराबर, एरिया कितना था पहले 100, अब कितना आपका एक्स जो हमें निकालना है एक्स बराबर 9 × 27 का 7 का लगे 2 9 × 9 = 11 13 × 9 = 117, तो चेंज कितना हुआ आपका 117% माइनस आपका 100%, कितना हुआ आपका 17%, क्या हुआ आपका ये इंक्रीज, मीन्स आपका 17% क्या होगा 17% आपका होगा इंक्रीज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, आपका सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या का इतना बढ़ा दिया ऊंचाई को इतना, वॉल्यूम क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
पाई से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है खाली आर और एच से। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो हमारी आर थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई वो 140। आर थी कितनी हो गई आपकी 140 इंटू एच कितना था पहले आपका 100 था, 100 क्या किया उन्होंने 50% कम किया तो कितना हो गया आपका 50 इक्वल। आपका वॉल्यूम पहले कितना था आपका 100, अब कितना है आपका एक्स जो आपको निकालना है, आपका 100 से 100 गया, 20 था आपकी 20 हो गई, 50 से आपका गया 2 times, 2 से गया आपका ये 7 times, तो कितना बच गया आपका एक्स बराबर 14 7 कितना बच गया आपका 98। आपका चेंज कितना हुआ आपका 100% माइनस 98% कितना हो गया आपका 2%, क्या होगा वो डिक्री 2% आपका डिग्री, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका सी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कौन का है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका कोन है उसका वॉल्यूम क्या होता है, कोन का जो आपका वॉल्यूम होता है वो 1/3 πr² है, ये हमारा है कांस्टेंट, तो इससे आपसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब खाली आर से और एच से। पहले कितना था आपका आर 100, अब कितना बढ़ गया वो 20% कितना होगा आपका 120, आर इंटू फिर आर 100 कितना होगा आपका 120 इंटू एच, पहले कितना था आपका 100, अब क्या होगा आपका 50% क्या होगा इंक्रीज, कितना होगा आपका 150 इंटू वॉल्यूम, पहले कितना था आपका 100, अब कितना होगा आपका एक्स जो हम निकालना है, 20 से 20 आपकी कटी, फिर आपका 0 से आपका 0, 2 5 10, 2 6 12, 1 3 15, ये क्या होगा आपका एक्स बराबर 12 इंटू 6 3 18, 12 8 96 का 6 घंटे लगे 9, 12 9 21 ना 216, चेंज कितना हुआ आपका 216 माइनस 100 कितना होगा आपका 116%, क्या होगा आपका इंक्रीज 116, क्या होगा आपका इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे पहले बात करते हैं हम हेमिस्फीयर, इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका 2/3 r³, हमें खाली किससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, हम मतलब खाली r से, पहले कितना था आपका r 100 था, अब क्या होया त्रिज्या कितनी कम कर दी इन्हें 20%, इसका मतलब कितनी हुई अभी वो 80 r इंटू 100 80 बराबर वॉल्यूम कितना वाले 100, अब हमें क्या करना है निकालना है कितना हमारा x है, 100 से आपका क्या 100 का इन 20 से कट गई आपकी 20, इस 10 से आपकी 10, 8 × 8 × 8 कितना होता आपका x बराबर आपका होता है 512 डिवाइड कितना होता आपका 10, तो कितना गए 51.2, इसका मतलब है कि चेंज कितना हुआ आपका 100 में से हम घटाएंगे 51.2 राइट, कितना है आपका 0.8 कितना बच गया 9 से गया कितना बच गया आपका 8, तो 48.8%, ये क्या आपका है डिक्रीज 48.8% क्या आपका डिक्रीज राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, जो गोले का आपका आयतन है वो कितना बढ़ेगा आपका, इतना आपको क्या निकालनी है त्रिज्या, कैसे निकालेंगे हम,
आपको गोले का पता है कितना होता है, आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब, 100, हमें निकालना क्या है इसका, आर 100 इंटू आर, 100 इंटू आर, हमें नहीं पता क्या है, पहले 100 था बट अब कितना बढ़ गया हो, 72.8, तो कितना होगा आपका, 172.8, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हटाया, 0 बढ़ा दी, अब जितनी 0 कट रहे हैं काट दो, 2 से आपकी कट गई 2, 1 0 से कट गई आपकी 1 0, तो जो आपका आर क्यूब हो गया वो कितना हो गया आपका, 3 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ये किसका क्यूब है आपका, ये है 12 का क्यूब, 12 × 12 × 12, यदि मैं आर की बात करूँ, मेरा आर कितना आएगा, 10 × 12, आर कितना आएगा मेरा, 120, चेंज कितना हुआ मेरा, पहले कितना था मेरे आर, 100, मींस आपका जो डेल आर है कितना आएगा आपका, 120 माइनस 100, कितना बड़ा आपका, 20%, क्या हुआ आपका, इंक्रीज, मींस आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपकी क्यूब है उसकी साइड क्या है, 20% इंक्रीज, उसके आयतन में कितना चेंज होगा, आपको पता है जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है आपका साइड का क्यूब, इसका मतलब है कि जो पहले कितनी थी साइड इसकी, 100 थी, अब कितनी होगी आपकी, 120 इंटू, पहले कितनी थी आपकी, 100, अब कितनी होगी आपकी, 120, पहले कितनी थी आपकी, 100, अब कितनी होगी आपकी, 120, पहले आपका वॉल्यूम कितना था आपका, 100, अब हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे इसको हम, आपका 0 से 2 0 से 2 0, इन 2 0 से आपकी ये 2 0, इस 0 से आपकी ये 2 0, 12 क्यूब क्या होती है आपका, एक्स बराबर 1728, डिवाइड किया 10 से, कितना आ गया आपका, ये आ गया, कितना होगा आपका वॉल्यूम, इतना हो गया, तो चेंज कितना होगा आपका, चेंज बराबर 172.8 माइनस आपका 100, कितना बड़ा आपका है, 72.8%, ये क्या हुआ आपका इंक्रीज, 72.8% क्या हुआ आपका इंक्रीज, ऑप्शन नंबर क्या आपका, सी आपका है राइट आंसर।